हाय वीवर्स बेरोही ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में आगा जी और शाह बानो रिश्ता लेकर मंसूर साहब की तरफ़ जाते हैं तो इर्तज़ा बेग एक्साइटमेंट में शायद या कन्फ्यूजन में होता है यूं वो अपने असिस्टेंट के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाता है आ, साथ ही सदीकी साहब को भी मिलने का कह देता है लेकिन यहाँ पर एक हैरान बात यह होती है के घर की एक मुलाजमा किसी को फ़ोन पर बताती है कि वो अभी घर से निकले हैं इर्तजा जब मतलूबा जगह पर पहुँच कर गाड़ी से उतरता है तो उस पर फायरिंग हो जाती है लेकिन इस बात को मीडिया से वो लोग छुपाते हैं और पुलिस से भी कहते हैं कि केस दर्ज ना करें शायद ये लोग खुद ही दुश्मन का सुराग लगाना चाहते हैं या कोई और बात है इसके पीछे पिछले एपिसोड में ये लगा था कि शाह बानो इर्तज़ा बेग से दुश्मनी रखती हैं और आगा जी के सामने उसकी आया जी बनी होती हैं इस तरह की बातें जो हैं वो रियलिटी में होती हैं हमारे माशरे में बेसिकली ये ड्रामा रियलिटी बेस ही है दूसरी तरफ मंसूर साहब के घर में नाजो भी गेम खेल रही है कैसे वो मिसरी बन के पहले सबके सामने अपनी जिठानी से माफ़ी मांगती है और अब उसी जिठानी से कहती है कि आप मेहमानों के सामने ना आएँ भाभी जी बेचारी एक मुखलिस और सच्ची औरत हैं वो फ़ौर मान जाती हैं और उनको देखते हुए सबीन भी किचन तक महदूद रहती है लेकिन माहिरा और नाज़ो इस वक्त तो हवाओं में उड़ रही हैं आगे जाकर उनको लग पता जाएगा कि इर्तज़ा बेग की फैमिली असल में कैसी है नाज़ो की एक और चाल के अपने बदनाम और फ्लड बॉय की शादी सबीन से करवा रही है वो भी सबीन के घर वालों पर एहसान जितला खैर हमारी दुआ है कि सबीन की शादी नाजो के भाई से ना हो यहाँ फिर इर्तज़ा बेग की कम फहमी देखने को मिलती है कि उसे समझ नहीं आती कि सबीन मंसूर की बेटी नहीं है बल्कि उनकी रिलेटिव है और शाबानो सबीन का रिश्ता लेकर ना नहीं जा रही इर्तजाज़ शायद अब ये बात कंफर्म करेगा और तब उसे पता चलेगा कि उसका रिश्ता सबीन से नहीं होने जा रहा बल्कि कोई और है और वो मंसूर साहब की नकचड़ी और लालची बेटी माहिरा है जिसे शाहबानों उसके पल्ले बांधना चाह रही हैं तो आज के लिए इतना ही अगली एपिसोड का इंतज़ार है देखिए अगली एपिसोड में क्या होता है